अरे हम देखे ये मत कौन माहौल, ये मेरी वीडियो आप देखिए, ऐसा ही एक पौधा था जिसको दिखा करके मैंने बोला था एक कौन माहौल लगी है आप बताइए, इसमें क्या हम लोग निकाल लेंगे। ऐसा ही एक पौधा था जिसको दिखा करके मैंने बोला था कि देखिए यहाँ पे आज मिट्टी बना हुआ है, हो सकता है कि किसी की प्लेट में होता सब्जी बनने के लिए या फिर किसी के सर पे होता ठंडक देने के लिए। लोग रहल नेता लोग रहल हम कहानी दाढ़ी बढ़ा के बड़का कुर्ता पहन के नेता बनते हो, घर पर मेरा रू रोती है कहे रोती है। अरे आप समझ ना पावल जाए, जो नेता बनता है ना जो यहाँ देहात वाला नेता दो फायदा होती है, यहाँ तो तू देखोगी कि हाँ इनका बनल चुनल नेता हुए और 50 रुपया दाढ़ी के लगती है, दाढ़ी का बनवाना भी महंगा है बंद हो जाता है दो काम यार सब नेता कई नेताजी नेता जो दरिया से पेंच काट कर बने हैं पैसा भाई बचत रही 50 रुपया नेताजी तो कहना इसमें क्या होगा बहनी। अब बहनी की कौन ये देख करके ये उनको लोगों को ये इसका अफसोस ना होता इसमें उन लोगों को अफसोस ना होता कि भैया अच्छा कटा था लोन किसान हमारा दुखी परेशान हमारा कोनो दिक्कत ना है, ये हमदर्दी जो तो लेके बजाय काट देंगे इसमें क्या होगा। मत देखा 1400 रुपया बीघा जोताई 1400 कई बार में भैलो ना होई सुनल जे एक बार नहीं 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 एक बार हर से जोताता है 12 तावा लगता है इसके 12 तावा लगता है फिर हर लगता है कैलकुलेटर बोलाता है फिर हाँ फिर 1400 रुपया लगी एक चक्कर का और हमें दे देना 900 रुपया तो मोची के ताव दे तुम हम कर्जा कई के धान बेचनी है तो दे रानी पैसा कर्जा कह के खेती करौले रहनी है तो जब धान बिकायल है तो कर्जा भराई है 900 रुपया हम कर्जा भरा जाए ना 1000 रुपया तो भूसा है 100 और में लाई तब ना। अब हमारे पास 4 जानवर हुए तू बता दल के दिखा देते हैं 4 जानवर हुए अगर एक एक छीटा 4 जानी बैठे जो देखा कर रोटी खाई जाए 4 जानवर हुए एक एक छीटा खाइए अगर दो दो छीटा खाइए 8 छीटा हुई अब सीधे 12 महीने के जोड़ ला एक एक को कुंटल का दाम भूसा के दाम ना देने वो हमें 20 पर अच्छा एक 20 काटाई तो एक कुंटल भूसा हुई नहीं ये अंजाम एक कुंटल भूसा हुई एक मुठवा तो आधा किलो का पावर है एक जोड़ जाए तो भाई कहा ना जे लाठी जहाँ 20 सिपाही हमें सिपाही लोग 20 जनी रह आप बात करने वहाँ पे गई लालू तू की बात करी थी कि काका गईनी सिपाही रहने 20 थे वहाँ तो बाबू हमें ऐसे बात इतनी जोरदार कहानी कि लोग हंसने लगा उन लोग समझ बहुत बहुत कमाल का हो तो मत करा ना तो कमाल का हम बोला कि इतना बड़ा ही हो जाए एक रेट में रही ये का है तो मतलब कोई सरकार हो जाए कोई कलेक्टर हो जाए कोई विधायक हो जाए हमारे घर का नून तेल ना चलावत था हम अपन चलावत है जाहिर सी बात है लगा लोग कहा अरे माता तू ये कौन बात करूँ हम कहने कहने तुम्हारे घर बच्चे तुमको देखते हैं पहले हम कहने तुम्हारी बहू तुम्हारे माता के देखने देती है थुथुर रंग के घर पर बैठ के तुम्हारा सब पैसा लेती है माता टुकुर टुकुर ताकती है हर मातों में ताकती है आप ऐसे बोले जा करके वहाँ पे फिर हमको डर नहीं है हमको ये ना डर रहा कि हम के कुछ कहबा पकड़बा का करबा जो असलियत बात है हम ना कर तुम्हारे दिल के अंदर वही में आप हरी मतलब आप भड़ास निकालने वाली महिला है मतलब हमारे दिल में जो है मन में जो है वो जो उबाल निकल रहा है बाहर करेंगे ही करेंगे हमारा नुकसान होता तो हमें कर ही क्या जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग करेंगे नुकसान न हो तो वह तो हमें कर ही क्या अगर अच्छा आपके बारे में बात करें तो आपके पति आपके बेटे क्या करते हैं हमारे बेटे हमारे पति घर पर है हमारे पति ड्यूटी करते थे जेके फाइल कंपनी में रहना जेके फाइल कंपनी में रहना आज 20 साल हो गए घरे अले जेकर पति 1 महीना घर बैठ जाता ओकर औरत टेटूर गई हमार 20 साल से बैठल हुए हमारी क्या हालत है आप बताइए 20 साल से क्यों बैठे हैं मतलब कि रिटायर होकर के उनको कंपनी आप एक कंपनियां 2 आदमी के रहल
अच्छा बट गेल कंपनी। अब समझ गए नी। अब फिर घर आईने भाई जिसके पैसा नहीं मिलता है हाथ हो गया हाथ हो गया ये सब लेके भागल ना होते तो जवान है कि जानो ना मिलल हो सबके। मोदी सरकार पैसा देते हम कैसे कैसे कर्जा कह के मशीन लगवाउनी 15 साल खातिर। अब 12 साल हो गए अप्रैल में 13 साल हो जाये अभी 2 साल अब हम फिर सोचे कि भगवान हम फिर पैसा जुटाए तो मशीन लगाई भगवान बचाओ ले रहे तुम सुमक दया से हैं तो हमारे हर एक हथकरा कर जदवा। अच्छा ये मोदी जी जो है कि अठे आयुष्मान कार्ड बनवावे थे कहा थे कि बनवावा लोग 5 लाख तक रुपया हम तो के देबे तो बनवले हो कार्ड प्रधान से कहनी प्रधान कहने तुहाल उनको घर द्वार है गरीबी में ना है तो सबके खाते ना गरीब खाते थोड़ी नहीं तो ना, ना, ना ना ये नाते कहने गरीबी में ना है सुना है कहने की ना बन पाई हमार ना बन पौल है आज भी ना बन पौल है तो हम बार बार चिरौरी ना करें कहीं कहीं ये प्रधान के गलती ना है जो कि हर जगह कहीं भी जाके देखा किसी भी योजना के लाभ आए हैं क्या क्या बाध्यता है शायद यूनिट की भी बाध्यताएं हैं। तो हमने तो सुना है कि ये जो आयुष्मान कार्ड है और बाकी चीजें जो है कि थोड़ा सा उसमें गरीबी मेरी देखी जाती है जाती देखी जाती है बट आयुष्मान कार्ड तो हर किसी के लिए हर वर्ग के। हाँ तो हम भी गए थे पूछने उसमें यूनिट पता नहीं कितना बता रहा है जैसे कार्ड में जैसे परिवार अलग है या कुछ भी बातें हैं यूनिट कम हो जा रही है तो उसमें 6 या 11 यूनिट होना अनिवार्य है 6 लोग तो जिसके घर में 6 यूनिट नहीं है उसका नहीं बन पाएगा ये बाध्यता है। और उधर कहते हैं कि हमको आयुष्मान कार्ड रहेगा तो 5 लाख देंगे तो 6 यूनिट खत्म कर देनी चाहिए इंडिविजुअल हुआ जिसके जिसके, जिसके बच्चे नहीं है मतलब कोई कपल से ऐसे भी है पति पत्नी जिनके बच्चा हुआ ही नहीं तो उनको उनको तो मिलेगा नहीं तभी तो हम तो पूछने गए थे अपने घर के लिए खुद अपने लिए या अपने परिवार के लिए तो बताया कि 6 यूनिट चाहिए और क्या क्या बताया जब कहा 6 यूनिट चाहिए तो 6 यूनिट हमारे पास थी ही नहीं तो हमने कहा बातें खत्म हो गई कई बार पटकरी से बाहर हो गए हम तो बाहर हो गए तो वही हाल है हमारे वही हाल है। तो आपके भी 6 लोग नहीं है मिलाकर कुल हैं हैं हैं। अब ऐसा है कि बेटा सोचता कि हमका हमारा बन जाए। अच्छा वो पर्सनल सोचता है कि हमारा पर्सनल बन जाए। हम सोचते हैं कि हमारा बन जाए हैं तो ने सट पावले सब ये कही हो पाए हम तो बूढ़े के लिए बना रहे हैं कि मन बन जाए कुछ सुविधा हो बेटा भाई बेटा की नौकरी ना है बेटा का दौड़ उड़ कुल निकल ले कि अगुआ ना मिल पौले कि मनो आगे विकास बने हैं अगुआ ना क्यों पैरवी करे वाला ना मिल पौले पैसा पैसा के दे दे पैसा पर काम होता है अभी भी होता है तो मोदी सरकार कहते कि होता है ना आई कुल भ्रष्टाचार अरे हाथ से एक आदमी के एक जने के हमारे गांव सिपाही वो होता रहा ना वो कहला पहले पैसा दे तब लेटर दे वो कहना पहले हमको लेटर दे तब हम पैसा दे। अब पैसा से खेल ये भैया के पैसा जाऊन हम खेत उत बेच के तुम्हें पैसा दे दे तू ले सटक कहा सटक नारायण सटक गई ना घर घर मुंगरी पटक गई ना पैसा लेके सटक जाइए हमें यार अपन सीना ठठाई फ्रॉड के चक्कर में यहाँ घुमा हमारे साथ फ्रॉड भयल वहाँ का हमारे साथ फ्रॉड भयल हाँ एक आदमी हमारे गाँव में 3 लाख रुपया डाल है बाबू केवट नौकरी खातिन फौज खातिन 3 लाख रुपया हैं और लेके फरार कौन फरार हो गया जवन जो दिया है जवन नौकरिया दिया होता रहे लेके फरार हो गया। हम 3 लाख रुपया जमा कर दे वो हमें जो ब्याज मिलत रही हमारे बच्चा खाई हैं अपने खेते में हरवाही करी कम से कम भाड़ा तना कितना कितना दिन पहले का बात बताओ था जो ने कि पैसा जमा करे खातिर रहा और ना भेल मतलब योगी सरकार मोदी सरकार में रहा है कि ओकर पहले रहा अखिलेश या फिर कांग्रेस में अखिलेश आ मोदी हमसे ना बात करे होते हैं बिचवा में बिचैतवा लेने बिचैतवा और बीच जो घटनवा कहना तो बिचैतवा कहना मोदी यहाँ आल ना मोदी आलो तो हमारे मोदी का सामना हो गल हो तुम मोदी से नाराज ना हो जो कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं सबका तहस नहस करते हैं उनने से नाराज हो तुम ऐसा हो यहाँ तो आया नहीं अभी तो आएगा तो नाराज किससे आप हैं मोदी से नाराज है कर्मचारियों से सबसे नाराज है हमारे नुकसान सब लपट के कैले
मोदी अगर ना आर्डर दल होते सब हुक्मी के रुकमी है ना, मोदी के हुक्मी के रुकमी है ना, तो मोदी आदेश कैले में तब नहीं लीलवा होत बा कहो। योगी जी आलन है तब देखल अब फिर नहीं बोल देते हैं कि हमारा नाम फजिया सिंह है और सुन लिया अब 5 लाख रुपया हमको जो देगा खुले आम वोट देंगे आप, नहीं तो हम वोट निरस्त कर देंगे, अपना वोट तो नहीं देंगे, हम किसी के नहीं देंगे। 5 लाख रुपया क्या करेंगे हम? भैंस ले आई दूह गोबर फेंकब। पांच लाख में क्या भैंस मिली? अरे एक लाख का भैंस मिला थी, एक लाख का लिया। एक लाख भैंस मिला थी, फदिला मिला थी, बढ़िया दूध दिया वो, बहुत दूध दिया, 10-10 लीटर दूध दिए एक बेला। तो माला माल हो जी तो। माले माल ना हो जी, अब न जी अब ना माला माल हो जी है, उतना ना खिये है दुई है जी। अरे 1 लाख का लिए है, 10,000 में बेचक पड़ जाएगी। 10,000 में हम नहीं बेचेंगे, सेवा हो ना 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 ना, हम भले भी कहा था मरला कर 10 लाख 1 लाख का लिए लियो का खर्चा पाइना दी, 10,000 में बेचक पड़ी ना हे 10,000 कतके मरत है हमार वो काम ना है कि रंगले बाटू लाल लाल ओठ गोरिया, हम लाल लाल ओठ ना रंगित, हम उन्हें लोगन के राख के एक पोछिया के पाछे कई 1,000 देवता लटकल हुए। मतलब गऊ के पोछ के पाछे कई 1,000 देवता लटकल हुए, क्यों विज्ञानी से क्यों ज्ञानी से पूछिया कि एक तब सब कहला गैया पूछे पकड़ ला भाव सागर पार हो जा। तू माने लू बतिया? हम मन इनके ना मानी, पश के मानते हैं, उनके देही में जितना रोम। बहुत बहुत लोग तो ना माने कहने की अगर गौ माता है तो फिर गाय माता हो गई, भैंस माता हो गई, जो दूध दे रहा है सारे लोग माता हो गए। ना एक गाय गई थी नदी पर वहाँ पानी पी लह और वहाँ हक दल नदी पर, गंगा माई निकल के कहने ए टुटली मेरे घाटे पानी पिया, हक के घाट बिगाड़ दिया। गंगा माई कानी तो गैया बोली है हमारे गोबरा से गौरू टिकाए, हमारे गोबरा से चौकू पुराए, हमारे दुदवा में ठाकुर जी नहा। तू ये तक कह देलियो, तू कह देलू गैया आवाज दे ले तो कहने की है बहस मत छोड़ा, अहिर जवान हो तुहरे ठेउनवा पजरिया में ठेउनवा में ठेउना भिड़ा तुहर चुटकिया से लड़ दू है ना। गैया कहले गंगा माई कहानी सुना श्रेष्ठ भयल, सुना श्रेष्ठ भयल बतावत है के श्रेष्ठ भयल। ना 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 यादव नहीं, यादव मानो कुछ नहीं, हम जात पात की बात नहीं करते हैं, सच बात। यादव तो उस पे भारी होगा गाड़ी, वो बता देना ना, आज भी यादव भारी हमारे कन्हैया ग्वाल वंश है। तो कहना अखिलेश यादव तो कहने की यादव शूद्र हो गई ना, हम लोगों ने अखिलेश यादव यादव हमें ना कहा है ना कि हमने अब शूद्र में आई ला, या तो जंगल हो गए या तो शूद्र हो गए, यादव अब शूद्र में आवे ना। शूद्र जो है फिर शूद्र की बात बताएंगे आपको, हम फिर बताएं पहले जो बात उभार दिया तो बोला कि गैया बोली कि हमको कह रही हो तुम हाँ हमको कह रही हो तो हरे सिनेमा पर मल्लाहवार नैया दौरावे तुहरे बेधाला पजरिया में बांस, तू हमें कह दलू वो तो यही तर्क चला था पूरा साक्षात्कार। हाँ कहना है कि गैया कहा तुहरे सिनेमा जब मल्लाह नाव दौराई है तुहरे पजरी में बांस, तुम बच्चा हुआ देख लो होगा कि ना नदी में नाव चलती है तो बांस से टेवा लगाता है ना। तो गैया बोलल यही गंगा माई के, तब जाके ठंडा आ गई गंगा माई। हाँ गाय जीत गई गऊ है, इसलिए हम गोरुन के ढेर ध्यान धरीला। अखिलेश यादव के बात के खत्म कर, अखिलेश यादव का है ना कि यादव शूद्र में अवन आप शूद्र की बात सुना फिर शूद्र। लक्ष्मण कहना है कि हम मैं आज्ञा देता लोगों तो हम जाए घोड़ा ले आई कहाँ से? अरे पगला
जहाँ जग रहल जग में जो राम जी ऐसे में जग करत रहन हां वहां घोड़ा हम जाय के लिए आई जो लोग कुछ बांध ले ले रहन हां तो कहना है कि घोड़वा की चार घोड़वा ऐसे ना पैबा चार सवाल बताना है आपको तब घोड़वा पैबा लोग कुछ कहना है हां लोग कुछ नहीं और क्यों विज्ञानी रहल नहीं लगा कुछ रहने नहीं वहाँ तो बन जाइए तब कुछ जैसे आप लोगों ने अला तब ना हम मिले नहीं अच्छा। आपके हम आप हमके मिल गए बताओ दूसरा क्यों कहा कहना वहाँ जाइबा तब ना पैबा घोड़वा चार सवाल कहने हे भगवान सवाल तो हमारे कोई भी ना करत का सवाल बताई तो जात हमें तो एक जगह बेरा लगल है बेरा जानत है खेत का आर कायल है कि उन्हें जानवर न खाए तो वो जब हवा हवा लगे न तो झपे झपे तो वहाँ का आन हाँ वहाँ आन जवान है छोट हो जाए डांट छोट हो जाए झपले कारण हाँ झपले कारण कहने हो ये बेरा खात हो बेरा खात हो आगे गई न तो चार इनार रहल चारों इनारवा एक का इनार फोफाए तो चारों के भर दे चारों के भर दे कहने ये कौन लीला चला खिस्सा ना आवे ले ये सुनाई देबू वहाँ सब लवा जा रही तो फिर जात रहना एक तो भैंसा रहल आगो से खात रहल अब पछो से खात रहल चुतरो ओर से मुंह ओर से खात रहल कहने अरे वो तो ठीक लीला चला ये बता दे हम शूद्र पे कहाँ जाता हूँ तुम शूद्र वाली बात आप कही नहीं तो शूद्र की बात बता अखिलेश यादव शूद्र कहने कहानी मत कहो बोल अखिलेश बताओ अखिलेश का शूद्र का कहानी है तो या फिर यही में शूद्र में सुनावत है सुन ला फिर गई ना आगे वो करे आगे चौथी जगह गई ना तो चौथी जगह गई ना तो देखने की कलयुग लौकत था हैं तो कहना चार चीज तो हो गई गई ने सुना उन्हें घोड़ा पाई गई ने आई ने यहाँ लोग कहले अरे कैसे पाई गई ला घोड़वा कहना चार बात बताऊनी तो महाराज बैठे से तू सुन बतिया हमार तुआ करती हो महाराज बैठे लाने तो कहना देखा हम बात बताओ थे कि तू सही मानिया या झूठ मानिया कहने की बेरहा देखनी खेत खात रहल कहना ये तो बात सही है जेकरे घर का मनई मरकार है घर खा जाई है आगे विकास कहाँ बढ़ी सही बात है पंडित कहना सत्य बात है कहना ये नाराज है वहाँ अगर घर का मुखिया ही अपना नेतृत्व सही से नहीं करेगा तो पीछे के लोग कहाँ से फिर तो कहना की हाई इनारा एक का फोफा तो चार के भर देता है चारों फोफा तो ना भर पावत है ये वहाँ पेश कही नहीं तो ये का सही एक झूठ है पंडित का ना सच है सच है एक माता चार बेटा जिया लेती है चारों के पारी पाना दूध पिया के जिया लेती है और चार बेटा एक माता के अब पिता के ना ही जिया पावत हाँ ना जिया पावत है ये सही भैया ना अच्छा ये सारी चीजें तब भी होती थी पहले की बात है जब कलयुग शुरू नहीं था तब भी हाँ 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 तो कलयुग को ये लोग खराब क्यों बोलता है बताओ थे फिर कहने की भैंसवा के बतिया तो कहना भैंसवा खात रहा तो पंडित कहना यो सही है जो प्रधान होता है आगे से नहीं ले पाता है आगे तो बोलता है तो कहा चला अरवे हाथी ले ले 150 दिया अरवे हाथी हो जा कुर्सी के नीचे से पंडित कहना ये बात बहुत सही है सही है अब शूद्र वाली राज जो कहो शूद्र हो गई नी तो माया माती कहना शूद्र राज चलाई कौनो जमाने में तो हम लोग के जमाने में माया माती राज चलौनी शूद्र माया माती शूद्र है राज चलौनी अब शूद्र जो अखिलेश कहना की अब हम शूद्र में हो गए नी जो पढ़ लेता है अधिक तो जाके नार छीन रहा है वही शूद्र सब हो गया तू हो जाए पढ़ लेबू वो हो जाये तू तो ये लाइन में हो गये लू जो पढ़ लेता जाए के नर्स का काम करा था सब कर नार छीना था जो नार छीना था वो शूद्र हो गया शूद्र पहले हुआ वह चमाइन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो चार वर्ड हमारे सनातन से चले आ रहे हैं अब सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र हो गए तीन में बट गए सब बट गया जो जो नार छीनेगा वो शूद्र हो जाएगा
नहीं, अभी के वर्तमान की बात ये ना छीनने वाली बात नहीं है। योग अखिलेश कहते हैं कि हम पिछड़ा वर्ग में नहीं है, हम दलितों में आते हैं, दलित जैसे हरिजन हो गए, जो नीची जातियां हैं, जिसको छोटी जातियां गिनते हैं, उस कंडीशन में आते हैं। हमारी बात के सुनो, पहले हमारी बात सुनो, सुनो सुनो, हम जो हैं, हम अब हम बन चोन के चली कहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, ऐसे कहले से हैं, कहे न कादा के मल मल धोई बात बटाटा नहीं होगा, हैं, कादा को बटाटा की धोओगे मल मल तो कादा नहीं होगा, कावे के रोज रोज नहवाओगे तो वो सुग्गा नहीं होगा, बकुला नहीं होगा। कहते हैं कि दुनिया दीवानी हो गई, टूटा जिगर जुटता नहीं, जो चल गया वो जुटेगा ना, नहीं कोई जुटा पाएगा। ये तो सही कहा आपने। अब और क्यों बतिया बने, तो हमार भाषा जितना है ना, ये रुके मान का ना है जो चल दहले, तो अब हम अपने से ब्रेक लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, सही कहा था। तो ये कहानी इन्होंने कही है, बहुत सारी कहानियां 20 मिनट में कहती रही, लेकिन ये कहानी इन्होंने जो कही है वो शूद्र वाली, इस पे आपको क्या कहना है? हमेशा से सवाल ये रहता है कि उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा कि हम भी शूद्र में आते हैं, एक दो वर्ग बना दिया है अब राजनीतिक पार्टियों ने खास करके, तो इस पे आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये काकी जो बातें करी हैं, इनके बातों से आप कितना प्रभावित हुए हैं, इनकी भी तारीफ करिएगा चंद शब्दों में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।